हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में टारगेट एसएससी जीके में। दोस्तों, आज फिर से हम लीनियर इक्वेशन का एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि आगे के जो भी टॉपिक हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने इस पे तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। ठीक है, तो पार्ट थ्री में हमने बात किया था ग्राफिकल मैथड की। ग्राफिकल मेथड को बहुत अच्छे से डील किया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसको देखें, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, और आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है, सेकंड जो मेथड था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज के टाइम में, देखिए। और अलजेब्रिक मेथड में हमने आपको बताया था कि इसमें दो मेथड आते हैं। एक तो आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आपका दूसरा मेथड था एलिमिनेशन मेथड। तो आज जो है हम लोग दोनों मेथड को एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, ये लेते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम साथ साथ इसके जो स्टेप्स है, इधर हम लोग इसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ इधर हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इससे आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम सेक्शन में बांट लिए। इधर हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इधर हम स्टेप के लिए बात करेंगे। तो मान लीजिए कि हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, और इस तरह से है, एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, और दूसरा इक्वेशन है फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 4x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 26। तो इधर साथ साथ हम स्टेप के बारे में बात करेंगे और इधर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसमें। तो देखिए, यहाँ पे एक हम क्वेश्चन स्टेप, पहला एक स्टेप है कि एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑफ वन ऑफ गिवेन इक्वेशन। ध्यान दीजिए क्या कहता है। कहा कि किसी एक इक्वेशन को, मतलब किसी भी एक इक्वेशन में आप वाई को क्या कीजिए, एक्स के टर्म में लिखिए। जैसे देखिए, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, और पहला में वाई इक्वल टू लिखते हैं थ्री माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तो दूसरा स्टेप कहता है कि सब्स्टिट्यूट, इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन पर आया, ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई ऑब्टेंड, मतलब यहाँ पे जो आपने ऑब्टेंड किया इन सेकंड इक्वेशन, टू गेट द इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल। ध्यान दीजिए, इतना बड़ा लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। कहता है कि आप ये जो इक्वेशन ऑब्टेंड किए हैं, इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए, यानी कि y का वैल्यू जो है इस सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कीजिए। देखिए, हम पुट करते हैं, तो 4x माइनस थ्री, देखिए y के जगह पे हम पुट कर रहे हैं ये वाला वैल्यू, यानी कि 3 माइनस एक्स इक्वल टू 26। थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4x माइनस नाइन माइनस थ्री एक्स, सॉरी माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स इक्वल टू 26। यहाँ पे फिर से स्टेप देखिए, स्टेप थर्ड में कहता है कि सॉल्व
द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या करना है इसमें, जो आपने इक्वेशन ऑप्टेन किया है उसको सॉल्व कीजिए और वहां से एक्स का वैल्यू आप निकालिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 4x प्लस 7x, 3x हो गया 7x, और ये 9 उधर गया तो 26 प्लस 9 यानी कि 35। 7x इक्वल टू, ये 7 से जो है 5 टाइम्स कट गया, x इक्वल टू आ गया 5। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू ऑफ x निकाल लिया। अगला स्टेप इसका कहता है स्टेप 4 में कि पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, सॉरी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में आप पुट कीजिए, इन एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ y। आपको क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देना है और y का वैल्यू को ऑप्टेन कर लेता है। चलिए तो हम यहाँ पे वन इक्वेशन इसका नाम ले लेते हैं और पुट करते हैं वन में, पुट इन वन, तो y इक्वल टू आ गया 3 - x यानी कि 3 - 5, यहाँ पे निकल के आ गया -2। तो इस तरह से हमको हैंस लिखेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x बराबर 5 एंड y बराबर -2। देखिए तो इस तरह से जो है आपको x का और y का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इस स्टेप को देखिए एक बार फिर से, हम समझाते हैं कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले y को, किसी भी एक इक्वेशन को y को x के टर्म में लिख लेना है, कोई भी एक इक्वेशन में, या आपका मन करे तो x को y के टर्म में लिख लीजिए, कुछ भी कीजिए। दूसरे में क्या करना है, उस जो आप निकाले हुए हैं y का वैल्यू उसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए, तो ये वेरिएबल जो है वन वेरिएबल का इक्वेशन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल का हुआ है। फिर उसको आप सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू निकालिए, और जो वैल्यू आता है उसको किसी आता है उसको किसी एक इक्वेशन में आप उसको पुट कीजिए। पुट करने के बाद आपको जो है x और y का वैल्यू दोनों निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आशा है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। हम लोग अब सेकेंड मेथड बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। ध्यान दीजिएगा एलिमिनेशन मेथड के लिए, एलिमिनेशन मेथड चलिए फिर से हम क्या करेंगे, इधर एक क्वेश्चन बताएंगे आपको और इसका स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग इधर स्टेप वन बात करेंगे और इधर एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, से हमारे पास एक एग्जांपल है 2x - 3y = 13, और एक क्वेश्चन है हमारे पास 7x - 2y, इक्वेशन सेकंड है = 20। चलिए तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो इक्वेशन है इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एक बात फिर हम आपको बता दें कि जितना भी मेथड है आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, सॉल्व होगा, बशर्ते आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है उससे आप सॉल्व कीजिए। देखिए तो स्टेप वन में इसमें क्या कहता है कि क्या करना है आपको कि मल्टीप्लाई द गिवेन इक्वेशन, मल्टीप्लाई द गिवेन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो एज टू मेक द कोफिशियंट, सो एज टू मेक कोफिशियंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखिए इतना बड़ा स्टेप है, कोई इसका मतलब नहीं बनता है, बस यहाँ पे करने आना चाहिए आपको। जैसे हम देखेंगे कि ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है मान लीजिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी एक जो वेरिएबल है इसके कोफिशियंट को हम बराबर कर लें। ध्यान दीजिएगा
इनके कोफिशियंट को बराबर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स है और वाई है, तो हम वाई वाले को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई को बराबर करने के लिए अगर हम पहले इक्वेशन में दो से गुना कर दें, देखिए ध्यान दीजिए, अगर पहले इक्वेशन में दो से गुना कर दें तो यहाँ सिक्स हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में अगर हम थ्री से गुना कर दें तो यहाँ हो जाएगा सिक्स, यानी कि कोफिशियंट बराबर हो गया, है ना। तो पहला स्टेप में आपको यही कहता है कि आप वैसे कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि जो न्यूमेरिकली वैल्यू है इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए, कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय टू। देखिए पहला इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई किए एंड सेकेंड इक्वेशन बाय थ्री। चलिए मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पे, तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई किए तो 4x माइनस 6y इक्वल टू 26, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। इसमें मल्टीप्लाई किए तो 14x, सॉरी 7, थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो 21x माइनस 6y इक्वल टू 60। चलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ध्यान दीजिए। सेकेंड इक्वेशन में कहता है कि स्टेप टू में कि इफ़ द न्यूमेरिकली कोफिशियंट्स हैव सेम साइन देन सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अदरवाइज एड देम। ये बहुत अच्छी बात है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है कि अगर न्यूमेरिकली जो आपका इक्वल कोफिशियंट आया है, अगर उनका साइन जो है इक्वल है, मतलब निगेटिव निगेटिव हो या पॉजिटिव निगेटिव है, तो आप क्या कीजिए, किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से घटा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर तो उनको क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए। लेकिन हम यहाँ पे जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, हम देख रहे हैं कि दोनों का साइन जो है अब इक्वल है, मतलब कि बराबर साइन वाला है, तो हम पहले वाले स्टेप को फॉलो करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। आपको फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड को घटा लेना है, जैसे लिखते हैं फोर्थ 21x माइनस 6y इक्वल टू 60, 4x माइनस 6y इक्वल टू 26, माइनस कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया, 21 में से 4 गया तो कितना 17x, और इधर 4 और ये 3, 17 टू जा आ गया आपको x बराबर 2। यहाँ पे देखिए अगला स्टेप में आप लिख सकते हैं Solve to get value of one variable, ठीक है। जैसे हमने सॉल्व किया एक वेरिएबल को ऑब्टेन करने के लिए, हमने इसको सॉल्व किया, अगेन स्टेप फोर जो होगा पुट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन एनी इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ अदर। देखिए ये स्टेप, देखिए ध्यान दीजिए, आप जो इक्वेशन जो आपको वैल्यू आया, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए तो दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि इसको पुट कर दिया हमने वन इक्वेशन में पुट कर दिए, देखिए यहाँ पे तो 2x मतलब 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, यानी कि 4 माइनस 13 इक्वल टू 3y, ये माइनस 9 इक्वल टू 3y, 3 से कैंसिल कीजिए आप तो y इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे आपको देखिए x और y का वैल्यू जो है निकल चुका है, और ये जो मेथड से हमने इसको निकाला, ये मेथड कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, एक वेरिएबल को हमने पूरी तरह से इलिमिनेट कर दिया, ठीक है। हमको आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को देखें और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।
ठीक है। और करने के बाद एक और बात, इसका जो एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे और जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में सॉल्व करेंगे। आप क्या कीजिए, तब तक इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।